हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ उषा कंपनी के फ़ैन हीटर का। ये एक टावर फ़ैन हीटर है। इस हीटर की कंप्लीट डिटेल्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके बॉक्स पर प्रोवाइड की गई डिटेल्स को। इस फैन हीटर के डिज़ाइन को आप देख सकते हैं और ये देखने में अट्रैक्टिव डिज़ाइन का फैन हीटर दिख रहा है। और यहाँ बॉटम में देखी जा सकती है कुछ डिटेल्स। इसमें प्रोवाइड किया गया है सेरेमिक हीटिंग एलिमेंट, 2 हीटिंग पोजीशंस दी गई है एंड टाइमर भी प्रोवाइड किया गया है जिसमें 1 to 7 आवर्स तक की टाइमिंग सेट की जा सकती है। और यहाँ पर आप टेक स्पेक्स देख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे ये 1000 वाट का यूनिट कंज्यूम करती है एंड सेकंड पोजीशन पे 2000 वाट्स का यूनिट कंज्यूम करती है। और ये है बॉक्स की साइड व्यू और यहाँ पे देखी जा सकती है उषा कंपनी की कुछ डिटेल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फैन हीटर के फीचर्स को। इस प्रोडक्ट के साथ हमें रिमोट मिलती है और इसमें प्रोवाइड की गई है 1 ईयर की वारंटी। इस हीटर का मॉडल है FH3628CT और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कुछ अदर डिटेल्स। यहाँ पे दिया गया नेट कंटेंट्स के बारे में और इसकी MRP है 7960 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर्स स्कीम। मैं बेस्ट प्राइस का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। 230 वोल्ट्स इज रिक्वायर्ड टू रन दिस हीटर एंड इसकी डायमेंशंस भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। फ्रेंड्स, आइए अब इस प्रोडक्ट को क्विकली करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसकी क्वालिटी और फिर मैं प्रोवाइड करूंगा इसका डेमोंस्ट्रेशन। इसकी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं उषा कंपनी के फैन हीटर का फर्स्ट इंप्रेशन। इसके साथ हमें मिलता है यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस यूज़र मैनुअल को जरूर पढ़ लें। ये आपको हेल्प करेगी इस हीटर की कंप्लीट डिटेल्स को जानने में और इसे कैसे ऑपरेट करना है वो सारी डिटेल्स इस मैनुअल में प्रोवाइड की गई है। और ये इसकी वारंटी पेपर। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वारंटी पेपर पे आप जिस भी डीलर से इसे परचेज करें सारी डिटेल्स को यहाँ पे जरूर फिल करवा लें। आपको हेल्प करेगी इस प्रोडक्ट की होम सर्विस वारंटी को स्मूथली कवर करने में। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल। इसमें दी गई है मल्टीपल बटन्स जिसे आप इस हीटर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइए अब इस हीटर को सारी साइड से क्लोजली देख लेते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू और देखने में ये अच्छी डिज़ाइन एंड क्वालिटी का फैन हीटर दिख रहा है। और यह इस हीटर की बैक साइड और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे होल्ड करने के लिए ग्रिप दिया गया है। उसके नीचे प्रोवाइड की गई है पावर स्विच जिसे आप इस फैन हीटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी टॉप साइड व्यू और यहाँ पे आप देख सकते हैं उषा कंपनी का लोगो और मल्टीपल LEDs दी गई है। उसके नीचे डिस्प्ले किया गया है कि किस फंक्शनलिटी के लिए कौन सी LED है और उसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ बटन्स दिए गए हैं।
पहली बटन टाइमर की है जिसमें आप 1 से लेकर 7 आवर्स तक की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऑसिलेशन फंक्शन के लिए बटन दी गई है, टेम्परेचर के लिए एंड पावर बटन प्रोवाइड की गई है। इस हीटर को ऑन करते टाइम आप कभी भी इसे कवर ना करें। आइए क्विकली आप इसकी डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दूँ और आपको बताऊँ कि कैसे इसे यूज़ करना है। सबसे पहले पीछे से इसे स्विच ऑन कर दें और एक LED इंडिकेटर ऑन हो जाएगी और उसके बाद आप फ्रंट वाली पावर बटन को प्रेस कर दें, उसके बाद ये हीटर ऑन हो जाती है और डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर हाई पे सेट रहती है और अच्छी खासी हॉट एयर थ्रो कर रहा है ये हीटर। इस बटन से टाइमर को सेट किया जा सकता है और यहाँ से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टेम्परेचर बटन को प्रेस करने के बाद टेम्परेचर कुछ इस तरह से सेट होता है, 15 डिग्री, उसके बाद आप देख सकते हैं ये बढ़ता है। आप सेम बटन को मल्टीपल टाइम्स प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं LED इंडिकेटर डिस्प्ले कर रहा है टेम्परेचर के नीचे और मैक्स पे ये शो करेगा जब आप इसे 6 टाइम प्रेस कर देंगे कुछ इस तरह से। इस हीटर को मूव करने के लिए ऑसिलेशन बटन को प्रेस कर दें और आप देख सकते हैं ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ऑसिलेशन फंक्शन इसकी स्टार्ट हो गई है और इसे जब आप बंद करना चाहते हैं तो सेम बटन को आप प्रेस कर दें या रिमोट से भी इसे प्रेस करके बंद कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रिमोट से कैसे इसे यूज़ करना है। और ये इसका रिमोट कंट्रोल और यहाँ पे ऑसिलेशन बटन दी गई है, आप इसे प्रेस कर दें इसे ऑन ऑफ करने के लिए। अगर प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, फिर से प्रेस करेंगे ये ऑफ हो जाएगी। टेम्परेचर को यहाँ प्लस माइनस बटन से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस बटन से आप टाइमर सेट कर सकते हैं, 1 से 7 आवर्स तक की टाइमिंग सेट की जा सकती है। फ्रेंड्स, ये थी उषा कंपनी के फ़ैन हीटर की अनबॉक्सिंग एंड डेमोंस्ट्रेशन की वीडियो और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।